A very good morning guys, this is day 4 in Kashmir and this is vlog number 3 from Kashmir travel series. और मैं तो आपसे ये कहूँगा हमारी कश्मीर ट्रिप क्या जा रही है. व्लॉग नंबर 1 में मैंने आपको दिखाया सनमर्ग, व्लॉग 2 में मैंने आपको दिखाया गुलमर्ग. अब इस वाले व्लॉग में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ पहलगाम, श्रीनगर टू पहलगाम की रोड ट्रिप, प्लस पहलगाम के एक दो टूरिस्ट अट्रैक्शंस भी आपको दिखाएंगे. शुरुआत करें नहीं, आपको स्टाइल पता था, कमॉन थोड़ी सी स्माइल के साथ और एक लाइक के साथ इस वाले धमाकेदार व्लॉग की शुरुआत करते हैं. मेरा नाम है डोलेश और आप देख रहे हैं 200 जर्नीज. सुबह के बज रहे हैं कुछ 9 कह लीजिए और नेटवर्क का आपको बता दूं यहाँ पर प्रीपेड तो काम ही नहीं करता, पोस्टपेड काम करता है. तो पोस्टपेड साथ में कैरी कीजिए, बट डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन पोस्टपेड भी कभी कभी बंद हो जाता है. हमारा होटल देख लीजिए, अंदर ब्रेकफास्ट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. तो पहले अंदर चलेंगे, मम्मी पापा इंतज़ार कर रहे हैं, पहले थोड़ी सी पेट पूजा करेंगे, फिर इस सफ़रनामा को, इस वर्चुअल सफ़रनामा को, आपका और मेरा सफ़रनामा आगे बढ़ाते हैं. जिस होटल में हमने स्टे किया कहना पड़ेगा क्या हमारा स्टे प्लस क्या यहाँ पर फूड ब्रेकफास्ट. सबसे अच्छी बात मम्मी वापस आ चुकी है. मम्मी हेल्थ वगैरह सब अब ठीक? नहीं बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक है, बट मम्मी पापा ने गुलमर्ग मिस कर दिया. खैर कोई बात नहीं. पापा ब्रेकफास्ट ज़रा बताइएगा क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या है? बहुत अच्छा, पोहा है, पूड़ी भाजी है, सैंडविच है और नॉन वेज में आपको ऑमलेट मिलेगा और बहुत ही डेलीशियस है. बहुत अच्छा खाना ब्रेकफास्ट है, सर्विस भी बहुत अच्छी है, सर्विस भी यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, सर्विस बहुत अच्छी दे रहे हैं. अब पापा होटल की रेटिंग्स आउट ऑफ 10 आप कितनी देना चाहेंगे? मैं दूंगा कम से कम, नहीं तो 7. यहाँ पे बहुत अच्छे लोग हैं, रिसेप्शन पे, यहाँ पे कैंटीन में सर्व करने वाले, बातचीत का माहौल. हम तो जो समझते थे बॉम्बे से जब चले कि कैसे लोग होंगे क्या होंगे, और हमको तो लगता ही नहीं कि यहाँ पे कोई अदर कम्युनिटी के लोग हैं, सब अपने जैसे और बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छे. बट मम्मी हेल्थ एकदम फर्स्ट क्लास? बिल्कुल फर्स्ट क्लास, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ, बिल्कुल अब मैं घूमने के लिए तैयार हूँ. लोग एक्चुअली थोड़ा घबरा गए थे व्लॉग 2 में, बट अब मम्मी पूरी तरह से घूमने के लिए फिट एंड तैयार. बिल्कुल फिट. हाँ भाई साहब, कश्मीर में भी पोहा दिया जा रहा है पापा. पोहा, चलिए ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं पापा, सब कुछ एकदम गर्मा गर्म फ्रेश. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. बस मम्मी पापा खुश तो हम खुश. डिनर भी बहुत अच्छा है, रात का डिनर भी अच्छा ना, रात का डिनर भी बहुत अच्छा रहता, खाना पीना सब लाजवाब. सो गाइज, आज मैं आपको एक ऐप रिकमेंड कर रहा हूँ, वन विन, जिसमें आप लकी जेट गेम खेल सकते हैं और जहाँ पर आप रोज पैसे कमा सकते हैं. सो गाइज, यहाँ पर गेम स्टार्ट हो चुका है और मैं 2 बेट प्लेस कर रहा हूँ 1000 की. अब इसमें आपको पिक करना होता है, जितना ज़्यादा आप पिक करेंगे उतनी ज़्यादा अमाउंट आप विन कर सकते हैं. और जैसा कि आप देख सकते हैं ये ऊपर बढ़ता ही जा रहा है, जितना ज़्यादा ये बढ़ेगा उतनी ज़्यादा आपको अमाउंट विन करने को मिलेगी. कीप गोइंग. सो यस गाइज, मैं जीत गया 5280 और यहाँ मैं सेकेंड बैट भी जीत गया. और जीते हुए पैसे आप इजीली विड्रॉ कर सकते हैं नेट बैंकिंग, UPI या फिर पेटीएम से डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में. और यहाँ आप देख सकते हैं मेरे अकाउंट में विनिंग्स डिपॉजिट हो गए. सो अभी जाके डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड करें वन विन, यूज माई प्रोमो कोड जर्नीज फॉर न्यू यूजर्स और आपको मिलेंगे 25,000 rupees ऑन योर फर्स्ट डिपॉजिट. सो किस बात का इंतजार है, रजिस्टर करें, डिपॉजिट करें और पैसे कमाएं. होटल से चेकआउट करने के लिए तैयार. आप देख लीजिए वापस हमारी गाड़ी में लगेज लोड कर दिया गया है. अब यहाँ से हम रवाना होने के लिए तैयार. और जैसा मैंने आपको बताया हम जा रहे हैं पहलगाम. और एक बार फिर से हमारे साथ फैजल भाई. सलाम, सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम, कैसा जा रहा है दिन? बस बढ़िया. और यहाँ से एक बार रवाना होने के लिए तैयार? बिल्कुल. भाई साहब आपसे जानना चाहेंगे श्रीनगर टू पहलगाम डिस्टेंस कितना है अंदाज़ा? 100 किलोमीटर. और टाइम कितना लगेगा? 3 घंटे. अच्छा, और जो व्यूअर्स देख रहे हैं श्रीनगर टू पहलगाम, अगर ये टैक्सी मतलब हायर करने वाले हैं जी, तो अंदाज़ा एक वे का जनाब कितना पैसा लगता है? कम से कम लगेगा 3000 to 5000 तक.
3 से 5 हज़ार ये हो गया सिंगल व्हीकल जी सर। ठीक है तो जनाब यहाँ से रवाना होने के लिए तैयार? ओके। एक और सफरनामा फैजल भाई के साथ? यस बिल्कुल। चलिए मज़ा आने वाला है। मम्मी पापा ऑलरेडी बैठ चुके हैं, अब गाड़ी में बैठेंगे और यहाँ से डिपार्ट होने के लिए तैयार और देखेंगे कश्मीर, आपको दिखाएंगे जन्नत कश्मीर। हमने लिया है पहला स्टॉप और जनाब हम कहाँ पहुँचे हैं? लतपुरा जी। यहाँ पर हम क्या करने के लिए रुके हैं जनाब? यहाँ पर रुके हैं हम नूर कैसर कंपनी के पास ड्राई फ्रूट के लिए, सैफ्रॉन के लिए, जहाँ पे ओरिजिनल होता है एकदम जी ओरिजिनल। और केसर हो गया जनाब, और कौन कौन से ड्राई फ्रूट हैं? केसर है, अखरोट है, बादाम है, सब कुछ ए टू जेड ड्राई फ्रूट मिलेगा आपको नूर केसर कंपनी के पास। बिल्कुल ओरिजिनल, बिल्कुल 100% ओरिजिनल। और ये यहाँ का लोकल है ना भाईजान? ये आपको बता दो, दिस इज केसर का कावा, कावा। ये गरम है हा? बिल्कुल फ्रेश बनाया गया यार, इसका टेस्ट तो क्या है। इस तरफ आपको दिखा दो, इस तरफ आप देखोगे तो दिस इज नेशनल हाईवे 44, तो श्रीनगर टू पहलगाम जब आपकी रोड ट्रिप चल रही है ऑन द वे, पहले आएगा स्टॉप आपका लतपुरा, वहाँ पे नूर केसर कंपनी, उसके पास आइए और पहला स्टॉप यहीं पे कीजिए। ओरिजिनल ड्राई फ्रूट्स, ओरिजिनल 100% ओरिजिनल ड्राई फ्रूट्स। आपको दादू मम्मी पापा अंदर बैठे हैं, सब ड्राई फ्रूट्स वगैरह हम घर भी लेके जाने वाले हैं। ऐसे ही सफरनामा चलता रहेगा और हम आपको बीच बीच में पहलगाम तक कुछ 4-5 जगह दिखाने वाले हैं। बट ये केसर का कावा जनाब एकदम ओरिजिनल और क्या टेस्ट है यार इसका, अगर मैं आपको कैमरे पे वर्चुअल दिखा पाऊं मजा आ गया जनाब, जन्नत कश्मीर जनाब जी। ये है स्पॉट नंबर 2। अब आपको शायद लग रहा होगा कि भैया मैं कहाँ खेत में, पता नहीं कहाँ गार्डन में पहुँच गया। मैं आपको बता दूँ अब हम पहुँचे हैं एप्पल वैली। आप यहाँ पर देख लो मम्मी पापा सब जूस वगैरह, दिस इज़ फ्रेश, एकदम फ्रेश एप्पल का जूस। अगर आप देखोगे सब एप्पल यहाँ ग्रो किए जा रहे हैं और वहाँ पर वो फ्रेश जूस बना रहे हैं। आप यहाँ पर एप्पल का पिकल भी देख सकते हो। पापा और क्या क्या पिकल के अलावा? यहाँ पे दो तीन से हैं, अगर आप देखोगे ना पूरा, आप देखो यहाँ पर एप्पल का फ्रेश प्रोडक्शन हो रहा है। तो लोग आ रहे हैं, टूरिस्ट एप्पल जूस पी रहे हैं यार, कड़क यार एकदम फ्रेश जूस। और फिर यहाँ से एप्पल लोग खरीद के भी ले जा रहे हैं। आप देख रहे हो यही तो है #, देखो अपना देश। श्रीनगर टू पहलगाम के बीच हमारी रोड ट्रिप चल रही है और हम ये भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। बट आप देखो दिस इज एप्पल वैली, दिस इज़ द बेस्ट नेचुरल थिंग। ये आप ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा। पापा जूस कैसा है, मैं ज़रा पब्लिक को बताइए जूस वगैरह कैसा है? नेचुरल एप्पल का जूस, कोई बर्फ़ नहीं, कोई मसाला नहीं, कुछ बस एप्पल का सीधा डाला और जूस बना के। मम्मी कैसा जूस कैसा है मम्मी? नेचुरल फटाफट करके यहाँ बैठे भाई हमारी फोटो ले, थोड़ा एक मसाला डाल के भी लाजवाब। बाबा मज़ा आ गया बाबा। पॉइंट नंबर 3 आप देख रहे हो, दिस इज़ रिवर राफ्टिंग पॉइंट पहलगाम का। जो आप ये रिवर देख रहे हो ये है लिडर रिवर। कॉस्टिंग का मैं आपको बता दूँ, पर पर्सन 660 रुपीज़, टाइम लगेगा लगभग आधा घंटा। और ये लोग यहाँ से लेके जाएंगे राफ्ट में और नीचे वहाँ ड्रॉप कर देंगे। ये लोग वापस लेकर नहीं आते हैं, वापस आपको आना है अपने व्हीकल से। कॉस्टिंग मैंने आपको बता दी 660 रुपीज़। फिलहाल मेरा कोई भी प्लान नहीं है बिकॉज ना तो मैं वाटरप्रूफ कैमरा कैरी कर रहा हूँ, ना ही मैं कॉस्ट्यूम वगैरह कैरी कर रहा हूँ। तो राफ्टिंग का फिलहाल तो कोई प्लान नहीं है, बट आई एम श्योर मज़ा आएगा। और पानी भाई साहब इस तरफ भी देख लीजिए आप, पूरा राफ्टिंग का पानी एकदम
ठंडा ऐसा जमा देने वाला पानी होगा। काश कर पाते, बट कोई बात नहीं, फिर कभी आएंगे अगले राउंड में ट्राई करेंगे। आप मम्मी पापा देखो वहाँ पर, मम्मी पापा को भेजना है क्या? नहीं भाई, दिस इज़ वेरी रिस्की फॉर देम। ये देखो अब एक और राफ्ट गई, यही तो है एडवेंचर और यहाँ का वेदर। अब हमने लिया है लंच ब्रेक और अगर आप देखोगे हमको ये एक स्पॉट मिला है। भाई साहब आप ये जगह देखिए, उम्मीद है आवाज़ क्लियर होगी। और इस तरफ वापस लेडर रिवर, आप देखोगे मम्मी पापा ऑमलेट चल रही है प्लस मैगी। हाँ पापा ज़रा बताइए ऑमलेट कैसी है? ऑमलेट और प्लस देखो यहाँ पर हमारी मैगी चल रही है। और इस वेदर में और इस माहौल में आप देखो यहाँ पर आप हॉर्स राइडिंग कर सकते हो। आप ये लोकेशन देख रहे हो, अभी हम पहलगाम से बहुत पहले हैं, अभी यहाँ से हमको होटल के लिए टाइम लगेगा। कुछ फैमिलीज़ हैं जो मतलब लंच खाना पीना साथ लाई हैं, वो यहाँ पर अगर आप बैठोगे देखोगे अगर लंच कर रही हैं। भाई साहब ये वेदर देखिए और यहाँ का बता रहे हैं, वेदर का कुछ पता नहीं, कभी धूप होती है कभी बारिश होती है कभी भी कुछ भी होता है। उम्मीद है ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलेगा तो हम अपने होटल पहुँच जाएंगे। तो ज़रा पहले गरम गरम मैगी खा लें, ज़रा ऑमलेट खा लें और इस मौसम को एंजॉय कीजिए। जब भी आप फैमिली के साथ आ रहे हो श्रीनगर टू पहलगाम की जो ये रोड ट्रिप है ना, कहना पड़ेगा भाई साहब लाजवाब। देखो अब ये धूप आ गई देखो यहाँ का पहलगाम का बिल्कुल ऐसा ही है। दूर दूर तक तो जो आप देखोगे वादियाँ माउंटेन्स आप देखो। अभी तो देखिएगा मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में भी पहलगाम दिखाने वाला हूँ। शुरुआत की थी सुबह 10 बजे, करंट वक्त देख लीजिए 6:45 और फाइनली हम पहुंच चुके हैं पहलगाम। यहाँ पर आपको ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना। आप देख लो ये है हमारी होटल प्रॉपर्टी, अब इसका रूम टूर कौन सी होटल प्रॉपर्टी है वगैरह वगैरह डिटेल्स आपको सब कुछ नेक्स्ट व्लॉग में दिखाया जाएगा। बट आप यहाँ से गैलरी में खड़े होके आप व्यू देखिए, क्या आपको व्यू मिलता है। उम्मीद है आपको रिवर की भी नदी की भी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। और यहाँ का वेदर, हवा तो इतनी तेज़ चल रही है पूछिए मत। बट आपसे यही कहूँगा श्रीनगर टू पहलगाम की जर्नी करके आ गया मज़ा। बस उम्मीद है आपको व्लॉग में मज़ा होगा। एक छोटा सा व्लॉग मैंने बनाया, आप देखिए यहाँ खड़े होके देखिए क्या व्यू आता है। दिस इज़ डोलेश साइनिंग ऑफ फ्रॉम 200 जर्नीज। खाते रहिए पीते रहिए और मेरे साथ वर्चुअली ट्रैवल करते रहिए। आप देख रहे हो मेरे को तो सच में इस होटल का भाई साहब क्या व्यू है आप देखिए। और सुबह जब उठेंगे सीधे आपको माउंटेंस नज़र आएंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, व्लॉग नंबर 4 देखिएगा ज़रूर, जिसमें मैं आपको पहलगाम के लोकल टूरिस्ट अट्रैक्शंस दिखाने वाला हूँ। ठीक है, फ़िलहाल को पहले कॉफ़ी पियेंगे और यहाँ पर भी हमारा डिनर वगैरह कुछ इंक्लूडेड डिनर करेंगे। आपसे मिलेंगे कल सुबह। टाटा, टेक केयर।